बरसात शुरू होने के साथ ही साथ रामनगरी अयोध्या में विकास के दावों में होल नजर आने लगा है। जहां एक तरफ पहली बरसात में ही 13 किलोमीटर रामपथ में कई जगह गड्ढे नजर आने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ कई कॉलोनियों में पानी भर गया। इसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं। शनिवार को जब बारिश हुई तो रामनगरी में फिर जगह जगह जलभराव देखने को मिला। जहां एक तरफ जलवानपुरा में लोगों के घर में पानी कम नहीं हो रहा, तो श्रीराम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर पानी भर गया, जिससे दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। वो यूट्यूबर के बारे में बता रहे हैं, जो यूट्यूब वगैरह नहीं सोशल मीडिया यूट्यूबर है, कुछ लोग रील बनाते। दरअसल ये पहली तस्वीर श्रीराम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां इमरजेंसी वार्ड में पानी घुसने से मरीजों, तीमानदारों के साथ ही साथ डॉक्टरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीराम जन्मभूमि पाठ की है, जहां से होकर श्रद्धालु रामलला के दर्शन को जाते हैं। इस मार्ग पर पानी भर गया, जिससे दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को गंदे पानी में होकर गुजरना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त संतोष कुमार का दावा है कि अभी नया निर्माण हुआ है, इसलिए समस्या आ रही है, सप्ताह भर के अंदर ही सभी समस्याओं से निजात पा लिया जाएगा। फिलहाल ये तो अभी नया विकास हुआ है, करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं यहाँ। नहीं, करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, जो विकास हुआ है उसका लाभ भी सभी को मिला है। और जो भी कहीं भी ये देखिए, इसके बाद की पहली बारिश है, इसके बाद की ये पहली बारिश है, बाकी है सर, सारी कार्रवाई चल रही है, सभी कार्रवाई चल रही है। अभी आप देखेंगे कि अभी एक सप्ताह के अंदर जो भी समस्याएं अभी तात्कालिक समस्या है, अब देखें जलभराव के निस्तारण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। और जो ये क्षेत्र है जहाँ पे जलवानपुरा, यहाँ पर अस्थाई निदान के लिए इसके सारी कार्रवाई हो रही है। एक सप्ताह के अंदर इसका अस्थाई निदान यहाँ से हो जाएगा। और इस बीच में जो भी हम लोग तात्कालिक व्यवस्था कर सकते हैं, सारे डिवाटरिंग पंप्स लगाए गए हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी से जो अधिकतम क्षमता है उसके माध्यम से जल निकासी कराई जा रही है। सर, हम उज्जैन से आए हैं महाकाल के दरबार से, और यहाँ आए हम बारिश में। ये देखिए पानी की कंडीशन यहाँ पे, और सरकार क्या कर रही है, पब्लिक को, आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, तो आप लोग पानी में घुस के गए? हाँ, पानी में घुस के जा रहे हैं हम अभी दर्शन करने। लेकिन यहाँ कहा जाता विकास बहुत गड़बड़ा हुआ है। कहाँ है विकास यहाँ भाई, इतना पानी ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक सारी परेशान हो रही है। सुनील कुमार पाटोद। वहीं अब तीसरी और सबसे भयानक तस्वीर राम मंदिर के बेहद करीब बसी कॉलोनी जलवानपुरा की है, जहां के एकमात्र रास्ते पर तो घुटनों भर पानी ही भर गया। उसके साथ साथ लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोग घर की छत पर रहने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, रास्ते में पानी भर जाने के कारण लोगों को दिनचर्या के सामानों को भी लाने ले जाने में समस्या हो रही है। ये पानी में किस तरह से आप अपना काम करते हैं, और कैसे आवाजाही और घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं? कैसे ऐसे चला रहे हैं और कैसे चला रहे हैं, पानी भरा हुआ है एकदम, और आने जाने में दिक्कत हो रही है, घर में पानी सब भरा है। और तो फिर ये ठेला लेके कैसे कहाँ गए थे, फिर कैसे फिर वापस जा रहे हैं? और फिर वहाँ गए थे दुकान से खोल रहे हैं, दुकान से फिर जा रहे हैं घर पानी भर के। और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता है ये ना, ये रास्ता यही है। अब क्या करें, पेट है तो मानता नहीं, क्या किया जाए। अब देखो सवेरे आए, सवेरे से एक पतीला दूध दो साला खराब है। बता दें कि इससे पहले हुई बारिश में रिकाबगंज के आसपास कई जगहों पर रामपथ धस गया। यहां गिट्टी और बालू डालकर मरम्मत कराई जा रही थी। एक बार फिर बारिश होने पर यहीं पर सड़क धस गई है। आनन फानन में जेसीबी से रोड की कटाई कराई जा रही है। जल निकासी न होने के कारण रोड पर लबालब पानी भर गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।